हम सबको उस भगवान ने बनाया है, हम सब बराबर हैं। तो जब भी किसी से बात करें, ये कभी ना सोचे यार ये मेरे से बेहतर है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने। जी हाँ दोस्तों, ये आपके कॉन्फिडेंस को उनके सामने बहुत कम कर देता है। आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और कैसे आपकी वैल्यू करेगा। हेलो दोस्तों, दिस इज चंदा राव, कॉन्फिडेंट ग्रोइंग एक्सपर्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि ऐसा क्या करें जब आप किसी और से बात करें। तो दो टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे। ओके, पहला, जब भी आप किसी से बात करें और अगर उससे आप पहले मिल चुके हैं तो आप उसके नाम से उसे बुलाइए। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उन्हें उसके नाम से बुलाते हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर लगता है, ना कि ये कहे हाँ हेलो हेलो आपका क्या नाम है प्लीज़, हाँ जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक तरह से बहुत ही बेकार रास्ता है, एक बहुत बेकार तरीका है किसी से बात करने का। अगर आप कहें कि हेलो मिस्टर फला, हेलो मिस्टर खाना, हेलो मिस्टर तिवारी, हेलो मिस्टर राव साहब, कुछ भी अगर आप बोलते हैं तो उससे उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, उनका नाम लेकर जब आप बोलते हैं। दूसरा है, जब आप किसी से बात करें तो एक बात सोचना है, जब भी आप नर्वस फील करें कि देखो कोई भी आपसे बेहतर नहीं है, हाँ भले ही चाहे हो वो आपसे बेहतर, लेकिन उनको दिखाना थोड़ी ना है कि आप उस चीज़ में उससे कम हो। जब भी उन्हें बात करें आप मैच्योर दिखें, बहुत अच्छे से बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए आपके बॉडी का जो गेस्चर है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, आपके शोल्डर्स पूरे तरीके से ब्रॉड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसे खड़े हैं या अगर अकड़ना, आप कंधे बिल्कुल स्ट्रेट रखने, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकड़ के हों, मेरे जितना तो कोई है ही नहीं, आप ऐसे चलो, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं चलना। आपको बहुत नॉर्मल रखना है, जब भी आप बात कर रहे तो आपके हाथों पर आपको ध्यान देना है। जब आप नर्वस होते हैं ना तो नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए ये पेन है, नहीं नहीं ये तो पेन नहीं है, ये पेन है, ठीक है, नहीं ये भी कलर नहीं है, स्केच। अगर कुछ लोग होता है ऐसे ऐसे करते रहते हैं या फिर उसके कैप को हटाना फिर लगाना, फिर हटाना फिर लगाना, या फिर कुछ भी लिखते रहना हाथ पर या पेपर पर, जहाँ भी कहीं भी, ये एक बहुत ही बकवास तरीका है किसी से बात करने का और ये दर्शाता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जब भी आप किसी से बात करें, अगर आपके हाथ में पेन भी है जैसे मैंने रखा हुआ है, तो आप उसको उसी जगह रखिए और आपके हाथों को जहाँ तक पॉसिबल हो आपको कमर से ऊपर रखना, बिल्कुल ऐसे रखना है जब आप बात कर रहे हैं, हाँ ओके, एंड अपने दोनों हाथों का यूज करना है, जिससे कि सामने वाले से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और उससे भी ये लगेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप अलग तरीके से बात करें तो उस सामने वाले को लगता है यार इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे से बात करने में, और उसको भी फिर आपके ऊपर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बच जाता। तो ये दो टिप्स आपको फॉलो करनी है जब भी आप किसी से भी बात करें, इसकी प्रैक्टिस आपको आज से करनी है, घर से करनी है, जिसके भी साथ आप बात करें वहीं करने की कोशिश करनी है, क्योंकि डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप इतने ज़्यादा परफेक्ट बन जाएंगे कि अगर अंदर से नर्वस भी है ना तो दूसरों को दिखेगा नहीं, बिल्कुल आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की जो अपने लिए सोच है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, वो बाहर निकलनी है यार, अब निकालने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब ये दो टिप्स ट्राई कीजिए, आगे हम और आपके लिए बहुत बेहतरीन ऐसी टिप्स लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और एक दूसरे के लिए अगर आप ब्लेसिंग्स लेंगे, किसी को अगर अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे तो ये भी श्योर है कि वो यूनिवर्स, वो भगवान आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आपको देने वाला है। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जी, आगे से जो भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आए इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय जी, कमेंट भी कर देना आपको कैसा लगा आज का वीडियो।